हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दांत खाज खुजली के बारे में। दोस्तों, आज के ज़माने में दांत खाज खुजली की वजह से कौन नहीं परेशान है, हर तीसरा व्यक्ति दांत खाज खुजली की वजह से परेशान है। तो आज की हमारी रेमेडी इसी टॉपिक पर है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दांत खाज खुजली कभी कभी पैरों में होती है, प्राइवेट पार्ट्स में होती है और फैलते फैलते ये हमारे कमर, हाथ, पैरों, सभी जगह हो जाती है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट इंग्रेडिएंट लिया है, वो है लहसुन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लहसुन में ऐसे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपकी दांत खाज खुजली को जड़ से ख़त्म कर देती है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन यानी कि एक्जिमा। अगर आपको एक्जिमा है या फंगल इन्फेक्शन है तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को ये मिटाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर आप इस घरेलू रेमेडी का कम से कम एक हफ्ता उपयोग करेंगे तो आपकी जो बरसों पुरानी दांत खाज खुजली है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 2 से 3 लहसुन को लगभग छील लेते हैं। लहसुन में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आपकी दांत खाज खुजली को पूरी तरीके से मिटा देंगे। कुछ लोगों को तो कई सालों से दांत खाज खुजली फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन वो अभी भी कई क्रीम, कई मेडिसिन खाने के बाद भी अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 3 लहसुन की कली छील ली है। अभी हमें ना इसे काटना है। आप चाहे तो चाकू से 2 पार्ट में इसे काट लीजिए, ये हमारे घिसने के काम आने चाहिए। देखिए, जैसे कि मैं इसे बीच में से 2 भाग कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से 2 भाग आप इसके कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से 2 भाग कर लेना है। अब हम यहाँ पर जो सेकेंड इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में विटामिन ई होता है और विटामिन ई हमारे दांत खाज खुजली को मिटाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। और कोकोनट ऑयल बरसों से उपयोग किया जा रहा है हमारे दांत खाज खुजली को मिटाने के लिए। पहले के ज़माने के लोग अगर कुछ लग जाता था, अभी भी कुछ लोग मानते हैं इस बात को कि अगर कुछ लग जाता है, चोट लग जाती है, तो तेल लगा देते हैं, कोकोनट ऑयल का, नारियल का तेल लगा देते हैं, जिससे कि वो घाव भी ठीक हो जाता है और उसका दाग भी वहाँ पर नहीं रहता है। तो देखिए, आपको इस तरीके से इन दोनों इंग्रेडिएंट को मिला लेना है और इन्हें ओवरनाइट आपको रखा रहने देना है। ओवरनाइट रखने के बाद जो लहसुन की प्रॉपर्टी होती है वो पूरी तरीके से ऑयल में उतर जाती है। उसके बाद आपको लहसुन का ये टुकड़ा उठाना है और अपने जहाँ पर भी आपको दांत खाज खुजली हो वहाँ पर इस तरीके से इस ऑयल को पूरी तरीके से लगा लेना है और इसे आपको ओवरनाइट लगा हुआ रहने देना है। आप इस रेमेडी को लगभग 1 हफ्ता उपयोग कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि केवल 1 हफ्ते में आपकी दांत खाज खुजली, फंगल, एक्जिमा, आपको स्किन से लेकर जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपको इचिंग भी आती है तो वो सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों दूर हो जाएगी। यकीन मानिए, एक बार इसे उपयोग कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।